दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस वक्त पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना, अगर आपके पास कैसा भी फ़ोटो हो उसको अगर आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो में कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रिंट के लिए, सो इस वीडियो का अंत में रहेगा। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे संध्या कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए बेटा, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो अपलोड कर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, वीडियो तो आप देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल पर वन के फैमिली कंप्लीट हो जाए। सो चलिए बेटा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं लेयर दिख रहा है। ये लेयर आप में हो तो ठीक है, अदरवाइज आप विंडो बटन पे क्लिक लेयर पे टिक कर दीजिएगा तो ये लेयर ओपन हो जाएगा। जिस फोटो को आप पासवर्ड से फोटो बनाना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस कीजिएगा, उसके बाद जो फोटो हो जिसको पासवर्ड से फोटो बनाना है उस फोटो को ले लीजिए। जैसे मैं सब एक फोटो को ले ले रहे हैं। सो फ्रेंड, फोटो हमारा है जो ये फोटो को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इस यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कुछ दूसरा कलर है, इसका बैकग्राउंड हमको चेंज करना है। आपके पास कोई सा भी फोटो हो जिसका बैकग्राउंड आप कितना भी खराब हो उसे कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिएगा और गूगल में सर्च कीजिएगा removevg.com, उसके बाद अपलोड सेशन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप फोटो को इजीली अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद उसका बैकग्राउंड खूब इजीली चेंज हो जाएगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस फोटो को अपलोड किया, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा खूब आसानी से। जैसे मैं यहाँ से, ये तो हो गया फर्स्ट ट्रिक बैकग्राउंड चेंज करने को। अगर आप फोटोशॉप से डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये फोटो हमारा हो गया, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, इसके लिए हम ग्रैब बटन पर क्लिक करेंगे और इसको फोटो को कर लेंगे सिलेक्ट, जितना कर लेंगे। जैसे हम पासवर्ड साइज फोटो बनाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों ये बराबर हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पे सर्च करके 1, 2, 2, 3 के अनुसार से फोटो को भी क्रैप कर सकते हैं, या अपने मर्जी से इसको क्रैप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड हमको चेंज करना है। चेंज करने के लिए मैजिक पे क्लिक कीजिएगा और सिंपली क्लिक कर दीजिएगा कुछ इस तरह, ये पूरी तरह से फोटो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कलर टू में यहाँ पे जो कलर से आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज खूब इजीली हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये तो हो गया फोटोशॉप से बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका। उसके बाद आपको करना ही है कि इसको साइड में क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस कीजिएगा, ये छोटा होगा, एंड कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कीजिएगा तो ये बड़ा होगा। यहाँ से इसको कंट्रोल जे कर दीजिए ताकि डुप्लीकेट बन जाए, और कंट्रोल एल प्रेस करके इसमें थोड़ा लाइट बढ़ा दीजिए। जैसे मैं यहाँ से इसको थोड़ा हम इधर से लाइट कर दे रहे हैं, इधर से थोड़ा डीप कर दे रहे हैं और इधर से थोड़ा हम बोल्ड कर रहे हैं। देख सकते हैं कुछ इतना पे ये बन गया। उसका पहले कुछ इस तरह दिखता था, कुछ इस तरह दिख रहा है। अब दोनों फर्क तो समझ में आ ही गया। अब अगर अदरवाइज इसका बाल को अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेकेंड वाले टूल को ले लीजिए और इसको कुछ इतना पर ड्रॉप कीजिएगा। देख सकते हैं इसका बाल ब्लैक यहाँ पे हो गया। सो ये हो गया फोटो पासवर्ड सेट बन के रेडी हो गया। उसके बाद आपको इसको छोटा करना है एंड कंट्रोल एन बटन प्रेस करना है। यहाँ पे 8x10 का पेज जो आपका प्रिंटर साइज पेपर होगा उसको ले लीजिएगा और मूव टूल पे क्लिक कीजिए और इस फोटो को कुछ इस तरह ड्रॉप करके ला दीजिए। अदरवाइज अगर आपसे ड्रॉप करके नहीं आ रहा है तो फोटो क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल ई कीजिएगा एंड कंट्रोल सी कीजिएगा और यहाँ आकर कंट्रोल भी कर दीजिएगा तो ये फोटो इस पे आ जाएगा। जूम कर दिए और फोटो को हम यहाँ पे सेटअप कर लेंगे और कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबाकर इस फोटो को थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं कुछ इतना पर, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। फिर से करना है कंट्रोल जे और कंट्रोल टी कुछ इतना पे इसको ड्रॉप कर दीजिए। और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, फिर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ बार बार टी प्रेस करना है। 8x10 के पेपर में आप 6 फोटो प्रिंट कर सकते हैं। जब यहाँ पे 6 फोटो में सेटअप कर दिया उसके बाद इस सब में सिकल लगा देंगे एंड कंट्रोल ई कर देंगे। स्पेस देना है तो जो तीर हो, जो यहाँ पे कीबोर्ड का जो डाउन एरो होता है, जो तीर वाला बटन होता है, इसको थोड़ा डाउन एरो से एंड राइट लेफ्ट बटन से इसको थोड़ा सेटअप कर लीजिएगा। उसके बाद एडिट पे क्लिक कीजिए, सेटअप पे क्लिक कीजिए, यहाँ से मैक्सिमम आप 5 रखिएगा, कलर आप बॉर्डर का जो चाहें उसको रखिए और ओके कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें यहाँ पे खूब इजीली बॉर्डर लग गया। उसके बाद आपको जितना पीस प्रिंट करना है
कंट्रोल जे कीजिए और कंट्रोल पी करके इसको डाउन कर दीजिएगा। जैसे मैं अगर ये 6 पीस हो गया, इसको 12 पीस करना है तो कंट्रोल जे करेंगे और कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे, डाउन एरो से इसको नीचे में यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे अब 6 से 12 फोटो हमारा बन के रेडी हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे 6 से 12 फोटो बन के रेडी हो गया। इसको प्रिंट निकालना है, इसके लिए कंट्रोल पी कीजिएगा और यहाँ से आप पेज को सेटअप करिए, सेंटर इमेज पे हटाकर इसको ऊपर वाला टॉप को डिलीट कर दीजिए ताकि पूरा ऊपर पेज में यहाँ पे सेटअप हो जाए। उसको प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से प्रॉपर्टी पे क्लिक करके यहाँ से आप फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए किस तरह आपको प्रिंट करना है। अगर फोटो प्रिंट करने के लिए नॉर्मल यहाँ पे होता है, फोटो पेपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इधर आपको कुछ चेंजेज नहीं करना है, ओके कर दीजिए। इसको जब ओके कीजिएगा उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो एकदम पूरा पूरा फ्रेश फोटो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इस पर आप आसानी से पासपोर्ट साइज फोटो को प्रिंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके लिए हमेशा इंटरेस्टेड और यूजफुल वीडियो लेकर आए। दोस्तों जल्द से जल्द आप 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि आपके लिए और इससे मस्त मस्त वीडियो आपको देते रहें। सर चलिए फिर नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।